हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो आज अकेले ही अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया स्टार और इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। दोस्तों ये भोजपुरी की सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च होने वाली पहली फीमेल एक्ट्रेस बन चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खुशी वर्मा की लाइफ की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और साथ ही बताएंगे एक गरीब घर की लड़की कैसे बनी भोजपुरी की सुपरस्टार। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों खुशी वर्मा भोजपुरी की सबसे ज़्यादा जानी मानी क्रिएटर है जो अपने डांस परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है। बात करते हैं इनके रियल नेम और निकनेम की। दोस्तों इनका रियल नेम खुशी वर्मा है और इनका निकनेम खुशी है, और इनका जन्म 12 अप्रैल 2002 में हुआ था। दोस्तों 2022 के हिसाब से ये 20 साल की हो गई है। इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक गरीब फैमिली में हुआ था। बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई गोरखपुर से ही की और अपनी ग्रेजुएशन भी गोरखपुर से ही कम्प्लीट की है। दोस्तों प्रोफेशन से ये एक डांसर, एक्टर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। तो दोस्तों खुशी वर्मा को बचपन से ही डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ये अपने स्कूल के सारे डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। दोस्तों सभी लोग इनके डांस के दीवाने थे। फिर खुशी ने ठान लिया था कि मैं अपना कैरियर डांस में ही बनाऊंगी। दोस्तों इनकी मम्मी पापा ने भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। खुशी के पापा ने इनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने। पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद खुशी ने डांस कोचिंग ज्वाइन कर लिया और ये और भी अच्छी तरीके से डांस करने लगी थी। दोस्तों उस टाइम टिकटॉक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। एक दिन खुशी की फ्रेंड्स ने खुशी को बोला कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, तुम डांस की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करो। और उसके बाद खुशी भी टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने लगी। शुरू में उनकी वीडियो पर कुछ अच्छे खासे व्यू नहीं आते थे, लेकिन खुशी ने हार नहीं मानते हुए लगातार वीडियो अपलोड करती रही और एक दिन उनकी वीडियो रातों रात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उस दिन के बाद खुशी वर्मा के वीडियो पर बहुत अच्छे व्यू आने लगे थे और कुछ दिनों में उनके टिकटॉक पर 2 मिलियन फॉलोवर भी कम्प्लीट हो गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद भारत सरकार द्वारा टिकटॉक को बैन करा दिया गया। टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और अपना रील्स वर्जन लॉन्च कर दिया। उसके बाद खुशी वर्मा रील्स वीडियो बनाने लगी। धीरे धीरे उनकी वीडियो फिर से वायरल होने लगी और अब उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं और साथ ही उनके MX टकाटक पर 2 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए। और इसके साथ साथ वे यूट्यूब पर भी अपनी वीडियो अपलोड करती है। दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ में अकेले ही बहुत ज़्यादा संघर्ष किया जब जाके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। तो दोस्तों ये 1 महीने में लगभग 2 से 3 लाख रुपए कमा लेती है। और बात करें इनके नेटवर्क के बारे में, दोस्तों इनका नेटवर्क 90 लाख से 1 करोड़ रुपए है। और दोस्तों अब बात करते हैं इनके हॉबीज़ के बारे में। दोस्तों इनकी हॉबीज़ डांसिंग करना, एक्टिंग करना, लिपसिंग वीडियो करना और ट्रैवलिंग करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद गाइस, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सबसे यहाँ तक लेके आए हो तो प्लीज आगे भी सपोर्ट करो,